दिखाएंगे नीचे रहे। चल चल आजा 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 आजा, कोई है दिखा नहीं पा रहे हैं, कैमरा तो एकदम पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ है बोल के बोल रहे हैं, जा रहा जा रहा, भाग गया भाग गया, सियार है सियार, भाग गया। देखते ऊपर में आ जाओ, ऊपर ऊपर से देखते हैं। दोस्तों ऊपर से देखना पड़ेगा। दोस्तों टाइगर पॉइंट जो है बालको से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ऐसा जगह है जहाँ से व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जंगल और घाटियों का नज़ारा जो है वहाँ से देखने लायक रहता है। तो आज हम दोस्तों जा रहे हैं उसी जगह पर, तो चलिए चलते हैं। फिर देख सकते हैं हमारे बालको का अग्निवीर यहाँ तक दौड़ते हुए आए हैं और सेना की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। गाँव में हमें एक जनरल स्टोर मिला है तो कुछ खाने के लिए सामान यहाँ से रख लेते हैं। ये महामाया जनरल स्टोर, ये गांव का जनरल स्टोर है भाई। क्या चीज है ये पत्थर चट्टा? हाँ सचिन है पत्थर चट्टा। हाँ सचिन भाई के काफी पॉइंट आ गया। अभी कुछ भाई हमें मिले थे जो पथरी की दवाई हमें बता रहे थे। ये जो पत्तियां दिखा रहे थे वो एक्चुअल में पत्थर चट्टा की पत्तियां हैं। ये बालको के जंगलों में बहुत सारी औषधियां मिलती हैं, हालांकि हमें उन चीज़ों की जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो जानकार लोग हैं वहाँ या इस जगह पे औषधि इकट्ठे करने के लिए भी आते हैं। ख़त्म हो गया? अरे अभी अभी तो शुरू हुआ था ये गांव, कैसे ख़त्म हो गया ये? घर आप देख सकते हैं जंगल कितना ज़्यादा घना हो गया है और अब थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है। रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा घुमावदार और ख़तरनाक होते जा रहा है। दोस्तों हम जा रहे थे, हमको रास्ते में ये एक पॉइंट मिल गया, शायद ये जंगल का व्यू देखने के लिए इसे बनाया गया है। एक टंकी नुमा कुछ जगह बनाया गया है चढ़ने के लिए, यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, तो चलिए ऊपर चढ़कर देखते हैं। यहाँ पर
एंट्री पॉइंट का ये खूबसूरत नज़ारा। और यहीं पास में ही एक सिद्धेश्वर हनुमान जी हैं। नीचे जैसे ही हम ढलान से उतरेंगे, मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही हनुमान जी का खूबसूरत बना हुआ मंदिर है, जो प्राकृतिक रूप से चट्टान के ऊपर बना हुआ है। तो अभी हम चलेंगे उस जगह को देखने के लिए। तो यहाँ से पास से मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज़, और ऊपर से आप देख सकते हैं कार, क्योंकि ये घाटी एरिया है और रोड बिल्कुल घुमावदार है। सीढ़ियों की तरह से गोल गोल चक्कर लगाते हुए यहाँ चढ़ना उतरना पड़ता है। नीचे आपको यहाँ के रास्ते भी दिख जाएंगे। सामने हनुमान जी की शायद पूजा हो रही है, शंख की हमें आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे मंदिर है, हमारा रसोई घर है। बच्चे आइए, एसी कूलर तो लगा ही है। नहीं बाबा, बढ़िया मच्छरदानी लगाओ, मच्छरों का कोई खतरा ही नहीं, बाकी एसी तो ऊपर वाला दे ही रहा है। दोस्तों, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए इस जगह पर हम रुके हुए हैं, और सामने बारिश के कारण नज़ारा आप देख सकते हैं, लग रहा है बादल पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। बारिश की आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी यहाँ पे, और सामने इस पहाड़ी की ओर बारिश हो रही है, ये दिख जाएगा आपको यहाँ से। अंधेरा होने लगा है, तो भी थोड़ा सा दोस्तों जंगल में, यहाँ जो एक सीढ़ी नुमा जगह दिखी थी ऊपर चढ़ने के लिए, हम वहीं पर रुके हुए हैं। अंधेरा काफ़ी हो गया है दोस्तों इस भयानक बारिश में। आप देख सकते हैं जंगल के बीचों बीच हम फंसे हुए हैं, बारिश लगातार तेज़ होते जा रही है, और काफ़ी भीग चुके हैं, ठंड लग रही थी। और इस पॉइंट पर आते आते हमारी गाड़ी भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, अभी अगर गाड़ी में कुछ लंबा प्रॉब्लम हुआ तब तो हम गए काम से, आज रात इस जगह पर ही लगता है गुजारना पड़ जाए। और ये जंगल का भयानक नज़ारा जो है, और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है बारिश जब आती है। फ्लैश लाइट लगा करके मुंह दिखा रहा हूँ अपना, बाकी अगर लाइट हटा दिया जाए तो चेहरा भी आप नहीं देख पाएंगे, इतना अंधेरा हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा, भूत जैसे दिखूँगा आपको, तो भूत जैसे दिख के आपको डराना तो है नहीं। और यहाँ से बालको लगभग अभी 17 किलोमीटर बाकी है, और ऐसे जगह में गाड़ी का ख़राब होना, मतलब सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी मुसीबत है। बारिश तो परेशानी है ही है, और देखते हैं, मेरा दोस्त देख रहा है, गाड़ी चेक कर रहा है अभी। पता नहीं क्या परेशानी आ गई है बारिश के चलते, हम इसको अभी फ़िलहाल देख भी नहीं पाएंगे। थोड़ा बारिश का पानी कम हो जाए फिर देखते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, अगर ईश्वर की कृपा रही तो जल्दी ठीक हो जाएगी गाड़ी, अगर ना रहा तो ये मेरा लास्ट वीडियो है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक गरीब आदमी को निकला था ब्लॉग बनाने के लिए, अपना एक ब्लॉग चैनल है, तो ब्लॉग हो गए हम उसमें ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ आए थे। टाइगर पॉइंट कोरबा में है, बालको कोरबा में, और यहाँ पे पानी गिर रहा है। गए थे हम लोग टाइगर पॉइंट दोस्तों, और फंस गए कुकुर पॉइंट पर, क्या करें, बारिश हो रही है, गाड़ी ख़राब है, बैठे हैं देखते हैं क्या होता है, हो सकता है रात भर हमको ऐसे ही उल्लू की तरह लटक के बैठना पड़ जाए, क्योंकि नीचे उतरे तो सांप का डर है, ज़्यादा ऊपर गए तो पता चला ऊपर ही पहुँच गए। देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, ऊपर आ रहा है, नीचे कुछ आ रहा है, वो देख नंदू है,
भाग जल्दी। अरे कुछ आ रहा है लग रहे हैं, जल्दी भागो जल्दी हैं। चल चल है, आजा 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 आजा, कोई है यहाँ, जा इधर आजा। किधर? वो देख वहाँ पे, वहाँ पे क्या है, यहाँ है, दिखा तो वहाँ पे। हिल रहा है गाड़ी, दिखा नहीं पा रहे हैं, कैमरा तो एकदम पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। है कुछ है वहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ है बोल के बोल रहे हैं आप लोग। ऊपर में चलिए ना, ऊपर में चले ना, ऊपर में ऊपर में आ जाओ, ऊपर ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर से देखना पड़ेगा, आ जाएगा। ये इस खतरनाक जंगल में हम लोग फंसे हुए हैं, अब चल रहे हैं घरों की ओर, निकलते हैं। थोड़ा आगे खिसक भाई बैठूं मैं भी, छोड़ के मत भाग जाना, नहीं तो ये मेरे लाइफ का आखिरी ब्लॉग होगा। कुछ नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है रखते हैं दोस्तों, बाय। जा रहा भाग गया, भाग गया, सियार है, सियार भाग गया। दिखते हाँ अभी तो टूक ले करी से, चार से मैं क्या करूँ। पहुँच गए हम बालको और